हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाह है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पूछा। अब सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, बड़ी गिला है आप सबसे। यार हम गर्मी से बैठे हैं, इतने बैठे हैं ना, अब हमें देखें। बिल्कुल, लेकिन जब देखते नहीं हो तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, दिल बुरा हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियोस को देखा करें। यार की दुनिया तुम भी प्यार में मानते। बिल्कुल, पता नहीं यार क्या वजह है। भी बोली हो तो प्यार को तो हर ना, वो हेटर्स हैं तो वो हमारे चैनल को ना रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे क्यों लोग ऐसे करते हैं, हमारी चिंग डाउन हो जाती है, तो बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं वो कर क्या ले, हम लोगों को खुश करते हैं आप। हाँ, तो उन लोगों को आपने बताना है कि वो जो मर्जी कर ले, आप हमें हमेशा देंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई जामनू, 100 किलो जामनू का ना आज जैम बनाने वाले हैं। भाई विलेज में एक, आपको पता है इंडिया में एक बहुत ज्यादा मशहूर है चैनल जो कि साउथ इंडिया का है, तो वहां पे ना वो इस तरह से चीजें बनाते हैं फिर बांटते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि 100 किलो जो जामन है ना उनका किस तरह से जाम तो बनता है, वो हम देखते हैं। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। अरे ये मेरी अम्मी को बड़े पसंद है जामुन, बड़े सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इस तरह से उतार के इन्होंने कुछ बनाना है। यार ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन हम देख के अंदाजा लगाएंगे क्या बोल रहे हैं। बहुत मेहनत है, ये बहुत बड़ा काम है। वही ना, 4-5 बंदे बैठ के डिश होने चुकली है, कर भी लेना। मेहनत है बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत। மஞ்சள் வச்சுக்கலாம் அதுல, நான் வாய்க்குல போட்டு இத்தனை கட்டிட்டேன். இப்ப நான் வெளிச்சு விட எல்லாத்தையும் பச்சை தண்ணி பானி அந்த பானி 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 கூட நிறுத்தி விடுறேன்.
यार बड़ी ज्यादा मेहनत है, थोड़ी मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा கருப்பட்டில் உள்ள குப்பையை பாருங்க வாசி, வெறும் சக்கரை பாகு மட்டும்தான் இருக்கும் அதில். நவாப் போல சாரே அதான் பண்ணிப்பா அந்த நேரத்தில் இதாவது பீ எனக்குனா கிடையா சுத்தமான பணம் கருப்பட்டி பாகு உன்ன கூட मेरे घर का उधर पैसे नहीं था ना अब कल जो रख देगा मिलो दे ना बन जाना बड़ी मेहनत है लादा लास्ट हो गया काम ब्रेड ब्रेड जैम है जैम அப்போ என்னடா வேலை பாக்குற? நான் என்ன வேலை பாக்குறேன்னு உனக்கு தெரியுமா? நீங்க வந்து என்ன வேலை பாக்க எனக்கே தெரியல. அவர்க பக்கம் நீங்க நான் சொன்ன இது வந்து இங்க இருக்கணும். ரோல் குடுங்க தண்ணி ரோல். நான் யாரா இருந்தால அடிச்சு போவேன். தெரியாது. இப்போ நான் சொன்னது புரியுதுல? இப்போ அப்படி அதுக்காக பேசுறானே. ஏனி அந்த கமான் பேசுறானே பண்றா பாண்டதேனே. பச்சே ஜெரே நீந்தே. ना तो आश्रम से उन्हें दें दें ओके साफ लड़ना पता ना साफ लो साफ लो मैं आप लोग खान दे ये जाम पिंगिंग जो है हां हां हवा पर बैठ रहा है और रहा अब ऊपर आ गया आप तो पहले खा लेना देखिए यार ஒவ்வொரு நவாப்பளவும் மே அப்படி தேன் சுவை கொடுக்கும் அந்த நவாப்பளத்துல சுத்தமான பனங்கருப்பட்டி பாகு ரெடி பண்ணி அதுல ஜாம் செஞ்சு சாப்பிடுறதுக்கு உண்மையிலே வேற லெவல் நீங்களே எந்த பழம் கிடைச்சாலும் அதுல ஜாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க அந்த பழத்தோட டேஸ்ட் அப்படியே நீ அனுபவிப்பீங்க குழந்தைகள் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நவாப்பளத்துல ஜாம் அந்த பிரெட்டோட வேற லெவல் லெவல் எலாக உண்மையா இருக்கு ஐயா பாகும் தேன் என்ன ஐயா ஐயா ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि भाई बना के अम्मी तो जो मतलब अनाथ आश्रम के जो लोग होते हैं जिन जो बेचारे सोचते रहते हैं कि पता नहीं रोटी लगेगी कि नहीं मतलब क्या होगा क्योंकि खाना आपको पता वहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता फिर इस तरह से जब कोई बना के तो दे के आता है ना तो ये बहुत एक नेक और अच्छा काम है इन्होंने पहले इतना मेहनत के साथ जैम बनाने के लिए 100 किलो जो है ना जामुन जिसको बोलते हैं उतारा फिर उसको पता नहीं उबाला फिर उसको पानी निकाला फिर उसमें इसके बाद उन्होंने वो जो है गुड़ उसको चास बनाई फिर चास को उसमें मिक्स किया फिर उसको चूल्हे पर रखा फिर वो पकाया
फिर उसका जैम बना, तो फिर ब्रेड पे लगा के फिर दे के आए हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा, मुझे नहीं था पता भाई जैम जो है वो इस तरह से बनता है, लेकिन अब पता चल गया। हालांकि जैम मिलता था, हाँ जामुन का जैम मिलता ही नहीं है, है ना, नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा जैम है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल उन्होंने बनाया है, क्योंकि जो यहाँ जैम मिलते हैं ना उनमें उन्होंने ना चीनी इतनी कुछ ज्यादा अमी डाली होती है ना, वो बंदे ने खा के उनकी शुगर हो गई है, लेकिन ये इन्होंने नेचुरल तरीके से बनाया। गुड़ आपको पता है वो उसमें तो कोई इतनी ज्यादा शुगर होती भी नहीं है, तो वो उन्होंने प्रिपेयर करके मजेदार किस्म ऐसा जैम हो तो मेरी अम्मी भी खाना पसंद करेगी। मेरी अम्मी को जामुन वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है, जामुन हम लाते ही रहते हैं, लेकिन ये काम बहुत थोड़े दिन भाई जामुन होते हैं। जामुन का मुझे याद है हम ना पहले पेड़ हुआ करता था हमारे घर, अभी भी शायद है, लेकिन उस पे जामुन शायद लगते हैं कि नहीं लगते हैं पता नहीं कौन जाने चाहता हूं तो जाकर आगे गिर जाता है नीचे, हां खुद ही नीचे गिर जाते हैं। क्या आपके घर में भी कोई जामुन का पेड़ है? अक्सर लोगों के घरों में ना ये जामुन के पेड़ होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मजेदार और ये ठंडा आपके अंदर को बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, बहुत अच्छे आपकी सेहत के लिए होते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, मजा आया देख के, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी पता चल गया ना कि जामुन का जैम कैसे बनाना, घर पे बना के ट्राई करते रहना। मिलते हैं एक और वीडियो में।